तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम ले आए एक न्यू रेसिपी जिसका नाम मैंने रखा है चॉकलेट फुल्की चाट। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। ये मैंने ले लिया ओरियल बिस्किट, और उसका जो है क्रीम अलग कर देती हूँ, बिस्किट अलग। अब इस बिस्किट को मैं पीस लेती हूँ। ये देखो, ये पाउडर बन के आ गया है एकदम चूर चूर। अब चलते हैं, अपने बनाते हैं। ये हमारा है सूजी, आटा, बेकिंग पाउडर एंड मिल्क, यही चॉकलेट पाउडर जो मैंने पीस रखा था बिस्किट का। अब इसमें थोड़ा सा मिल्क डाल देते हैं, और साथ ही साथ इसमें पानी भी मैं डालूंगी थोड़ा सा। ये देखो, और जल्दी जल्दी फटाफट आटा गूंथ लेती हूँ। इसका डो तैयार हो गया मेरा, ये देखो, अच्छे से खूब अच्छे से मिलना। अब ये हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, गीला कपड़ा ले लेती हूँ, उसको उसके ऊपर ढक के आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। एक तरफ मैंने जो है मिल्क ले लिया। अब इसमें वही जो क्रीम है जो बिस्किट का, वही इसमें डाल के और खूब अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, एक उबाल आ गया, उबालते रहो, खड़ा होता जाए दूध। अब हम अपना इसमें मिल्क पाउडर, मिल्क चॉकलेट डाल दिया। आप चाहो तो मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने मिल्क चॉकलेट ही डाला है। अब इसको मैं खोला लेती, ये देखो कितना अच्छे से बन गया, रबड़ी इसको भी कह सकती या दूध गाढ़ा हो गया। अब चलते अपना पानी पूरी तैयार करते हैं। ये देखो हमारा जो है लोई रेडी कर रही हूँ। अब इसको बेल लेते हैं। अब इसको छोटे छोटे गोल मतलब काट लेती हूँ शेप में, सर्कल में। अब इसको बेल देते हैं। अब चलते अपना फ्राई करते हैं। ये देखो, अब मैंने एक तरफ तेल रख दिया है, हमारा पहले से भी मैं कुछ तैयार कर रखी थी। इसको गीले कपड़े से ही ढके रहेंगे। अब इसको तल देते हैं। तो कितने जल्दी जल्दी फूलेंगे, ये देखो, ये देखो, बहुत अच्छा लगेगा। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर, अपने बच्चों को जरूर खिलाएंगे, बहुत अच्छा है। ये देखिए, हमारी फुल्की तो रेडी हो गया है। अब ये देखो, मैंने बीच बीच से फोड़ लिया है। अब इसमें मैं देखो क्या डालती हूँ, जैम्स। ये रहा हमारा जैम्स। अब इसको क्या करते हैं, हाथ से थोड़े थोड़े तोड़ के अब इसमें चारों में डाल देती हूँ, सब में। डालने के बाद वही रबड़ी डालूंगी जो मैंने बनाया था। आप सोचेंगे येलो कलर कैसे आ गया, तो ये चॉकलेट और जो है बिस्किट से ही येलो कलर आ गया इसमें। इतने अच्छे से सजाना है। अब इसको फिर से जेम से डाल देते हैं, फटफट फटफट डालो। अब फिर इसको जो है चॉकलेट सिरप जो होता है, उसी से मैं इसको जो है इसमें भर दूंगी पूरी फुल्कियों में, ताकि बच्चे जब खाएंगे ना, तो वो जो चॉकलेट रोटी में आएगा तो वो खुशी बहुत अच्छा लगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। बाय बाय, थैंक यू।